नागिनों का बंटवारा। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी नागिनों के बंटवारे की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नागिनों के बंटवारे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, नागलोक में विशाखा नाम की रानी नागिन अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। रानी नागिन की दोनों बेटियाँ निशा और दिशा दोनों में बिल्कुल नहीं जमती थी और वो दोनों हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। रानी नागिन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी थे। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जब देखो आपस में लड़ती रहती हो। ये मेरा महल है, कोई चिड़ियाघर नहीं। कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। तुम्हारी वजह से पूरे नागलोक में मेरी बेइज्जती हो रही है। माँ, ये दिशा बहुत ही चालाक है। ये हमेशा मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल मुझे अपनी सहेलियों से मिलने जाना था लेकिन इसने मेरी नई ड्रेस जलाकर राख कर दी। नहीं नहीं माँ, निशा बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसे अपने कपड़ों को रखने का ढंग नहीं है इसलिए इसकी ड्रेस जल गई थी और ये सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। तुम दोनों बस करो, मैं तुम दोनों से तंग आ चुकी हूँ। खबरदार अगर दोबारा तुमने कभी आपस में झगड़ा किया तो मैं तुम दोनों को महल से बाहर निकाल दूंगी और साथ ही अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगी। इतना कहकर रानी नागिन वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानी नागिन जंगल की सैर कर रही थी कि तभी अचानक कुछ जादूगर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात नागलोक की सिपाही नागिनों को पता चलती है तो वो सभी रानी नागिन की खोज में लग जाती हैं। लेकिन काफी दिन भटकने के बाद भी उन्हें रानी नागिन का कुछ पता नहीं चलता। इस तरह धीरे धीरे सभी लोग रानी नागिन को भूल जाते हैं। उधर निशा और दिशा नागिन महल में अपनी मनमानी करना शुरू कर देती हैं और कुछ दिनों बाद वो दोनों बहनें महल का बंटवारा करके आधा आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन निशा नागिन अपनी कुछ सहेलियों को दावत के लिए महल बुलाती है। थोड़ी देर के बाद दिशा नागिन भी अपनी सहेलियों को लेकर महल में आ जाती हैं। तभी दिशा नागिन महल में खाना बनाने वाली नागिन को अपनी सहेलियों के लिए खाना बनाने के लिए कहती हैं। ये देख निशा नागिन को बहुत गुस्सा आता है। रुक जा दिशा, पहले मैं अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ आई हूँ इसलिए पहले उनके लिए खाना बनेगा, बाद में तू अपनी भुक्कड़ सहेलियों को खाना खिला देना। तभी दिशा नागिन की सहेली सोनिया नागिन उससे कहती है, अरे दिशा, इस महल में तो तेरी जरा भी इज्जत नहीं है। देख तेरी बहन किस तरह सबके सामने तेरी बेइज्जती कर रही है। हमें तो लगता था कि तेरे महल में तेरी ही चलती होगी लेकिन यहाँ तो तुझे कोई नहीं पूछता। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी नागिने जोर जोर से हंसने लगती है। अपनी बेइज्जती देख दिशा नागिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस बहुत हो गया, आज मैं इस निशा को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर दिशा नागिन अपनी बहन निशा के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। ये देख निशा भी दिशा की पिटाई करने लगती है। देखते ही देखते दोनों बहनों का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तभी गुस्से में आकर निशा नागिन अपनी नागमणि की शक्ति से वहाँ एक बड़ी तलवार प्रकट कर देती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे मरने के बाद इस महल में मैं मजे से रहूंगी। लेकिन तभी दिशा नागिन भी अपनी नागमणि की शक्ति से वहाँ आग उगलने वाला एक घोड़ा प्रकट कर देती है। मेरे जादुई घोड़े निशा को जलाकर राख कर दे। दिशा की बात सुनते ही उसका घोड़ा निशा के ऊपर आग उगलने लगता है। फिर अपने बचाव के लिए निशा भी वहाँ एक आग उगलने वाला घोड़ा प्रकट कर देती है। उसके बाद दोनों घोड़े आपस में लड़ने लगते हैं। देखते ही देखते उनके मुंह से निकलने वाली आग पूरे महल में फैल जाती है और पूरा महल जलने लगता है।
थोड़ी ही देर में आग की वजह से महल के दीवारें टूटकर गिरने लगती हैं। अरे दोनों बहन के झगड़े की वजह से ये पूरा महल टूटकर गिर रहा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं वरना हम सभी मारे जाएंगे। इस तरह सभी नागिन घबरा कर वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। दूसरी तरफ दिशा और निशा महल के मलबे में दब जाते हैं और अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी अचानक वहाँ रानी नागिन आ जाती है। रानी नागिन अपनी जादुई नागमणि की शक्ति से महल की आग को बुझा देती है और अपनी दोनों बेटियों को सही सलामत महल से बाहर निकाल देती है। ये तुम दोनों क्या कर रही थी? आज तुम दोनों के झगड़े की वजह से पूरा महल बर्बाद हो गया। आप ठीक कहती हो माँ, ये हम दोनों की गलती है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी निशा से झगड़ा नहीं करूँगी। दूसरी तरफ दिशा भी अपनी गलती की माफी मांग लेती है। लेकिन माँ, हमने सुना था आपको जादूगरों ने पकड़ लिया था, फिर आप वहाँ से आजाद कैसे हुई? मेरी परी सहेली ने मुझे जादूगरों की कैद से आजाद कराया है। अच्छा हुआ मैं यहाँ सही समय पर आ गई, वरना तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठते। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोनों हमेशा मिलकर रहना। उस दिन के बाद से दोनों नागिन बहनें दोबारा कभी झगड़ा नहीं करती और मिलजुल कर साथ रहना शुरू। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे झगड़े का फायदा अक्सर बाहर वाले उठाते हैं और इस सब में हमारा ही नुकसान होता है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला की जादुई नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिंड्रेला की जादुई नेल पॉलिश की कहानी। धर्मापुर नाम के गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिंड्रेला को कॉलेज में वीरू नाम का एक बदमाश लड़का पढ़ता था, जो अक्सर सिंड्रेला को परेशान किया करता था। एक दिन सिंड्रेला कॉलेज से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में वीरू उसका रास्ता रोक लेता है। सुनो सिंड्रेला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो मेरे जैसा अच्छा लड़का तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देख वीरू, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तू कॉलेज का सबसे बुरा लड़का है, इसलिए बेकार में मुझे परेशान मत किया कर, वरना मैं अपने पिताजी से तेरी शिकायत कर दूंगी। अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रही है, चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। इतना कहकर वीरू सिंड्रेला की साइकिल छीन लेता है और उसे जमीन पर पटकने लगता है। देखते ही देखते सिंड्रेला की साइकिल पूरी तरह टूट जाती है। बेचारी सिंड्रेला रोते हुए अपने घर चली जाती है। उसके बाद सिंड्रेला अपने माता पिता से वीरू की हरकतों के बारे में सब कुछ बता देती है। देखो बेटा, हम सीधे साधे शरीफ लोग हैं, उन बदमाश लड़कों से लड़ने झगड़ना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम कल से कॉलेज जाना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर कोई परेशानी आए। अपने पिताजी की बात सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख होता है, मजबूर होकर वो कॉलेज जाना बंद कर देती है। लेकिन फिर एक दिन सिंड्रेला बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी कि तभी वीरू उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। और देखो सिंड्रेला, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर सिंड्रेला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी सैंडल उतार कर वीरू की पिटाई करने लगती है। सिंड्रेला की हिम्मत देख बाजार में मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर वीरू की पिटाई करने लगते हैं। वीरू किसी तरह अपने आप को बचाकर भाग जाता है। आज जो सिंड्रेला ने सबके सामने मुझे सैंडल से मारा है, पूरे बाजार में मेरी बेइज्जती हो गई है। इसकी कीमत सिंड्रेला को चुकानी पड़ेगी। जब तक मैं सिंड्रेला को जान से नहीं मार देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर उस दिन वीरू सिंड्रेला को मारने का प्लान बना लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिंड्रेला नदी में मछलियां पकड़ रही थी कि तभी वीरू वहां पहुंच जाता है।
दोबारा मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू उस दिन की मार भूल गया है। चल सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना मैं आज भी अपनी सैंडल से तेरी खूब पिटाई करूंगी। सिंड्रेला की ये बात सुनकर वीरू का खून खौल उठता है और वो सिंड्रेला की चोटी पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। इससे पहले कि सिंड्रेला संभल पाती, वीरू अपने जेब से चाकू निकालकर सिंड्रेला पर वार करने लगता है। देखते ही देखते सिंड्रेला बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके बाद वीरू सिंड्रेला के हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंक देता है। थोड़ी ही देर में सिंड्रेला पानी में पूरी तरह डूब जाती है। ये देख वीरू खुश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला का शरीर नदी के तल में मौजूद एक बड़े गड्ढे के अंदर चला जाता है और थोड़ी ही देर में सिंड्रेला का शरीर पाताल लोक में रहने वाली जलपरी के घर में चला जाता है। अचानक अपने सामने खून में लथपथ सिंड्रेला को देख जलपरी हैरान रह जाती है। अरे ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? लगता है किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, मुझे इसे बचाना होगा। उसके बाद जलपरी अपनी जादुई शक्ति से सिंड्रेला को पूरी तरह ठीक कर देती है। ठीक होते ही सिंड्रेला जलपरी को उस बेरहम वीरू के बारे में सब कुछ बता देती है। ऐसे बदमाश लड़कों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना वो लोग हमेशा मासूम लड़कियों को परेशान करते रहेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी जादुई नेल पॉलिश देती हूँ। मेरी ये जादुई नेल पॉलिश उस लड़के की अक्ल ठिकाने लगा देगी। उसके बाद वो जिंदगी में कभी किसी लड़की को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद जलपरी सिंड्रेला को अपनी जादुई नेल पॉलिश देकर उसे उसके घर पहुंचा देती है। फिर अगले दिन सिंड्रेला अपनी नाखूनों में नेल पॉलिश लगा लेती है और अगले ही पल सिंड्रेला के शरीर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ये देख सिंड्रेला बहुत खुश होती है और फौरन वीरू के घर पहुंच जाती है। सिंड्रेला के शरीर का आकार देख वीरू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डरकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सिंड्रेला उसे पकड़ लेती है और अपने पंजे में जकड़ लेती है। ओ माफ कर दो सिंड्रेला, मुझसे गलती हो गई, भगवान के लिए मुझे सुधरने का एक मौका दो। तेरे जैसे बुरे लड़के कभी नहीं सुधर सकते, इसीलिए आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर सिंड्रेला वीरू का एक हाथ उखाड़ कर फेंक देती है। इस तरह सिंड्रेला वीरू को उसके किए की सजा दे देती है। दूसरी तरफ वीरू के साथ हुए इस घटना की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और वहां के सभी बदमाश लड़के सिंड्रेला के डर से लड़कियों को छेड़ना बंद कर देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सिंड्रेला के साथ साथ वहां की सभी लड़कियां सुकून की जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों सिंड्रेला की जादुई नेल पॉलिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी बुरे लोगों के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि अच्छाई के सामने बुराई ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मॉडर्न लाल परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मॉडर्न लाल परी की कहानी। बात उस समय की है जब परी देश में एक लाल परी रहती थी। लाल परी दूसरी परियों से बिल्कुल हटके थी। वो अपना ज्यादातर समय पृथ्वी पर बिताया करती थी। इस वजह से उसे पृथ्वी की लड़कियों की तरह मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमने की आदत हो गई थी। लाल परी, तुम हमेशा पृथ्वी की लड़कियों की तरह विचित्र प्रकार के कपड़े पहनकर क्यों घूमती हो? तुम्हें तो पता है हमारे परी देश की परियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। लगता है तुम पृथ्वी के लोगों की ओर ज्यादा ही आकर्षित हो गई हो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो पृथ्वी के लोग अच्छे नहीं होते। वहाँ के ज्यादातर लोग बुरे और धोखेबाज हैं, इसीलिए तुम उनकी संगत छोड़ दो। सुमन की बच्ची, तू अपने काम से काम रख, मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, समझ गई ना? चल हट यहाँ से। इतना कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है।
फिर एक दिन लाल परी अपनी पृथ्वी की सहेली अंजलि के साथ एक क्लब में जाती है। उस क्लब में सभी आवारा लड़के लड़कियां जमा थे। वो सभी लोग वहां जुआ खेलने के साथ साथ शराब भी पी रहे थे। तभी अंजलि शराब से भरी एक ग्लास लाल परी को देते हुए कहती है, ये लो लाल परी, हमारे पृथ्वी की सबसे खास चीज है, इसे पीने के बाद तुम आसमान में उड़ने लगोगी। अरे ऐसी भी क्या खास बात है इसमें, ये तो तुम्हें पीने के बाद ही पता चलेगा। फिर लाल परी सारी शराब पी जाती है और थोड़ी देर में उसे नशा चढ़ने लगता है। अरे वाह, मजा आ गया, सच में ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, लाओ मुझे एक ग्लास और दो। इस तरह लाल परी ढेर सारी शराब पी लेती है और नशे में धुत हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ मौजूद लड़के लड़कियों के साथ मिलकर जुआ खेलना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने सारे पैसे और गहने जुए में हार जाती है। लेकिन इस हार से लाल परी जरा भी सबक नहीं लेती और हर रोज पृथ्वी के क्लब में जाकर शराब पीना और जुआ खेलना शुरू कर देती है। फिर एक दिन लाल परी अपने पृथ्वी के सभी दोस्तों को पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है। वो सभी लोग शराब पीकर डांस कर रहे थे कि तभी वहां मौजूद कुणाल और करण नाम के दो लड़के की नजर लाल परी के पड़ोस में रहने वाली परियों पर पड़ती है। उनके शरीर में ढेर सारे सोने और हीरे के गहने देख वो दोनों दंग रह जाते हैं। वो देखो, उन परियों ने बहुत सारे कीमती गहने पहन रखे हैं, लगता है यहाँ की परियां बहुत अमीर हैं। अगर हम दोनों किसी तरह इनके सारे गहने चुरा लें तो फिर हमें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तुम ठीक कहते हो, थोड़ी देर में इन परियों के सोने के बाद हम इनके घर में घुसकर इनके सारे गहने चुरा लेंगे। फिर करीब आधी रात को वो दोनों लाल परी के पड़ोस में रहने वाली परियों के घर में दाखिल हो जाते हैं। तभी करण अपनी जेब से बेहोश करने वाली स्प्रे निकाल लेता है और पूरे कमरे में छिड़क देता है और सभी परियों को बेहोश कर देता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उनके घर में मौजूद सारे कीमती गहने चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन अपने घर के सारे गहने गायब देख वो सभी परियां हैरान रह जाती हैं। अरे ये सब क्या हो गया, हमारे घर के सारे गहने चोरी हो गए, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमारी परी देश में तो एक भी चोर नहीं है। कल रात को लाल परी के यहाँ पार्टी मनाने पृथ्वी के बहुत सारे लड़के लड़कियां आए थे, मुझे पूरा यकीन है उन्हीं में से किसी ने हमारे घर में गहने चोरी करे होंगे, चलकर लाल परी की खबर लेते हैं। फिर वो सभी परियां लाल परी के घर पहुंच जाते हैं। लाल परी, हमारे घर के सारे गहने चोरी हो गए हैं, हमें शक है कि हमारे गहने तेरे पृथ्वी से आए हुए सारे दोस्तों ने चोरी की है, चल सीधी तरह हमें हमारे गहने वापस दिलवा वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारे गहनों के बारे में कुछ नहीं जानती और मेरे दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर लाल परी दरवाजा बंद कर लेती है। इस बात से उन सभी परियों का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सभी रानी परी के पास जाकर लाल परी की शिकायत करने लगते हैं। रानी परी अपनी जादुई गोले में चोरी की सारी घटना देख लेती है और फौरन लाल परी को अपने दरबार में बुला लेती है। सुनो लाल परी, पृथ्वी से आई तुम्हारे दोस्तों में से दो लड़कों ने इन परियों के यहाँ इनकी कीमती गहने चुराए हैं। मैंने अपने जादुई गोले में सब कुछ देख लिया है, लेकिन इस चोरी के जिम्मेदार मैं तुम्हें मानती हूँ, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे अपने जुवारी और शराबी दोस्तों को परिदेश में लाने की गलती की है, इसीलिए इन गहनों की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। चलो तुम अपने सारे गहने इन्हें दे दो। माफ करना रानी जी, मेरे पास बिल्कुल गहने नहीं है, मैं अपने सारे गहने पहले ही जुए में हार चुकी हूँ। अच्छा तो ये बात है, लेकिन इनके नुकसान की भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इसीलिए अब तुम्हें अपना घर इन परियों को देना होगा। फिर अगले दिन मजबूर होकर लाल परी को अपना घर खाली करना पड़ता है और उनके पड़ोस की परियां उनके घर पर कब्जा कर लेती हैं।
इस तरह लाल परी अपनी बुरी आदतों के चलते बेघर हो जाती है और पृथ्वी पर जाकर गरीबों वाली जिंदगी के लिए जीने में मजबूर हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों मॉडर्न लाल परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसी लोगों की संगत में रहेंगे हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर अपने दोस्तों का चुनाव करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सावली परी की मुंह दिखाई की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सावली परी की मुंह दिखाई की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में अंजलि नाम की सावली परी रहती थी। अंजलि के सावले रंग की वजह से परी देश की परियां उसे पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से अंजलि अपना ज्यादातर समय पृथ्वी पर बिताया करती थी। फिर एक दिन अंजलि जंगल के ऊपर से उड़कर जा रही थी कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिस वजह से अंजलि जंगल में जा गिरती है। जमीन पर गिरने की वजह से अंजलि परी बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी जंगल के कुछ जानवर अंजलि को देख लेते हैं और उसे मार कर खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख अंजलि परी घबरा जाती है। दूसरी तरफ अंजलि की जादुई छड़ी एक पेड़ की ढाली पर अटक जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी जादुई छड़ी तो पेड़ के ऊपर है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे। अंजलि उठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से वो एक कदम भी नहीं चल पाती और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। देखते ही देखते वो सभी जानवर अंजलि को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां विशाल नाम का एक लड़का हाथ में जलती हुई मशाल लेकर आ जाता है। और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है परी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। इतना कहकर विशाल जलती हुई मशाल से जानवरों को डराने लगता है और एक एक कर सभी जानवर डर के वहां से भाग जाते हैं। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं परी, ये तो मेरा फर्ज था। देखो मेरी जादुई छड़ी उस पेड़ की ढाली पर अटक गई है, तुम उसे वहां से उठाकर मुझे दे दो। विशाल फौरन पेड़ पर चढ़कर अंजलि की जादुई छड़ी उठाकर ले आता है। उसके बाद अंजलि परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से अपने सारे जख्मों को ठीक कर लेती है। उस दिन से अंजलि परी और विशाल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन से अंजलि परी पृथ्वी पर आकर अपना सारा समय विशाल के साथ बिताने लगती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर एक दिन अंजलि विशाल से शादी करने की इच्छा जाहिर करती है। विशाल भी अंजलि से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद विशाल अपनी माँ और बहन को अंजलि परी के बारे में सब कुछ बता देता है, अंजलि से शादी कर लेता है। शादी के बाद अंजलि जैसे ही विशाल के घर पर जाती है तो उसके घर की हालत देख उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि विशाल का घर बहुत पुराना और टूटा हुआ था। तभी गांव के कुछ लड़कियां अंजलि को देखने वहां आ जाती हैं। बेटी, ये सब तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं। अंजलि देखती है कि उन सभी लड़कियों ने पुराने और मैले कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। किसी किसी लड़की के पैरों में चोटें भी लगी थी। तभी एक लड़की अंजलि परी से कहती है, एक परी हमारे गांव की बहू बनकर आई है, हमारे लिए ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमें माफ कर दो, मुंह दिखाई के बदले तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दरअसल ये गांव गरीबों का है, हम लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करके जिंदगी जीते हैं। ये सुनकर अंजलि परी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अंजलि परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां मौजूद सभी लड़कियों के पुराने कपड़े सुंदर कपड़ों में बदल देती है।
साथ ही उसके पैरों में चमकदार सुंदर सैंडल भी आ जाती है। ये जादू देख सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। इसके बाद अंजलि पड़ी विशाल के टूटे हुए घर के साथ साथ गांव के सभी घरों को बड़े और सुंदर घरों में बदल देती है। साथ ही गांव वाले के लिए ढेर सारा अनाज भी प्रकट कर देती है। इस बात से सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ अंजलि परी की दरिया दिली और दयालुता की तारीफ होने लगती हैं। दूसरी तरफ अंजलि परी की ननन पिंकी जग्गू नाम के एक बुरे लड़के से प्रेम करती थी। पिंकी और जग्गू स्वभाव से बहुत ही लालची और धोखेबाज थे। सुनो पिंकी, मैं तुमसे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी। अगर तुम चाहो तो हमारे पास ढेर सारे पैसों का इंतजाम हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? और देखो, तुम्हारे भाभी के पास जो जादुई छड़ी है, तुम उस जादुई छड़ी को चुरा कर मेरे पास ले आओ। हम दोनों जादुई छड़ी की मदद से ढेर सारी दौलत इकट्ठी करके इस गांव से हमेशा के लिए भाग जाएंगे और किसी बड़े शहर में जाकर मजे से अपनी जिंदगी जिएंगे। अरे वाजिद, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। मैं आज रात को ही अपनी भाभी की जादुई छड़ी चुरा कर तुम्हारे पास ले आऊंगी। फिर रात होते ही पिंकी अंजलि परी की जादुई छड़ी चुरा कर जग्गू के पास ले जाती है। चलो अब हम दोनों इस जादुई छड़ी से ढेर सारी दौलत मांगते हैं। इतना कहकर जग्गू जादुई छड़ी को गोल गोल घुमाते हुए कहता है, सुनो जादुई छड़ी, हमारे ऊपर ढेर सारे पैसों की बारिश कर दो। लेकिन अगले ही पल उन दोनों के ऊपर आग के गोले बरसने लगते हैं। अरे मर गई रे, पैसों की जगह ये आग के गोले क्यों बरस रहे हैं? जल्दी करो जग्गू, वरना हम दोनों जलकर मर जाएंगे। रुक जाओ जादुई छड़ी, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन जादुई छड़ी उन दोनों की एक नहीं सुनती और लगातार उन पर आग के गोले बरसने लगते हैं। इससे घबराकर दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन आग के गोले उनका पीछा नहीं छोड़ते। अरे ये आग के गोले हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, लगता है हमें मदद के लिए तुम्हारी परी भाभी के पास जाना होगा। फिर वो दोनों भागकर अंजलि के पास पहुंच जाते हैं। अंजलि फौरन जग्गू के हाथ से जादुई छड़ी छीनकर आग के गोलों को शांत कर देती है। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमने लालच में आकर आपकी जादुई छड़ी चुरा ली थी। हाँ हाँ भाभी जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उन दोनों को माफी मांगते देख अंजलि परी को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें माफ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि परी दोनों की शादी करवा कर उनके रहने के लिए एक सुंदर सा घर तैयार कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पिंकी जग्गू के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, सावली परी की मुंह दिखाई की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंजलि से सबक लेकर हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ के गरीब और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं और उनकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।